जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी आ जाएंगे, 10 बज चुके हैं। क्लास में हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका है दोस्तों। 5th स्टेप चल रहा है हमारे पास, कौन सा? इरोजन। ठीक है, इरोजन चल रहा है हमारे पास। वेदरिंग और इरोजन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये टॉपिक हमारे पास आगे एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं दोस्तों। चाहे एनडीए का एग्जाम उठाओ, चाहे सीडीएस का उठाओ, चाहे यूपीएससी का उठाओ, चाहे स्टेट पीएससी का उठाओ, चाहे एसएससी का उठाओ, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, सवाल इसमें से। पर फर्क चीजों का इतना है कि आप कितना समझ पाते हो। आपको एक एक टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं बोलता हूं इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, और किसके अंदर आता है, किस टाइप के इरोजन में होता है इंसेलबर्ग। ठीक है, इसी तरह से भाड़ा बजाड़ा क्या होता है, कहां कहां आता है, कैसे कैसे एप्लीकेबल करते हैं। यहां अजय कुमार जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्मृति जी जय हिंद। प्रीति कुमार जी गुड मॉर्निंग। प्रकाश चंद्रा जी, राज लक्ष्मी जी, सुषमा जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, हरप राजा जी, एम नेहरा जी, ज्योति पाठक जी, काफी लोग आ चुके हैं। चलिए एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। रेणु कुमार जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वर्षा मुखर्जी जी गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट ग्रुप में अपने अपने। कंडीशन आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, इरोजन क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ से पत्थर आते, चट्टान टूटती है और बाहर जाके उड़ जाती, इरोड हो जाती यहाँ से लेके वहां तक। आज हम बात करेंगे दोस्तों विंड इरोजन की, बात करेंगे वायु अपरदन की बात। ठीक है, वायु अपरदन, विंड इरोजन कहाँ होता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होता है? कोई बिल्डिंग तो होती नहीं है वहां पर। सिंपल क्या है, एक रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वहां पर हवा चलती है स्पीड के साथ। जो हवा आती है उड़ यहाँ से, तो यहाँ से मिट्टी को उड़ा के ले जाती है अपने साथ। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायु अपरदन। क्या कहते हैं? वायु अपरदन। यहां पर गुड मॉर्निंग अल्फिया जी, राम राम ज्योति पाठक जी, कैसे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर देखो एक बार क्लास को शेयर को सब्सक्राइब कर, शेयर सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट। देखिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने देखा हमने नदियों के द्वारा अपरदन कैसे होता है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज देखे। कल हमने देखा बर्फ के पर्वत के अंदर हिमनद देखा हमने यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट हमारे पास है विंड इरोजन। कौन सा है? विंड इरोजन तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये चीजें आती हैं यहाँ पर। ठीक है, विंड इरोजन हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है इंपॉर्टेंट में। देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या होता है। देखिए आपको, देखिए यहां जैसी हवा लगती है इस रेत के टीले पे, तो रेत के टीले की मिट्टी उड़ के का यहां हो जाती है, यहां का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहां का आयतन बढ़ जाता है, यहां कम हो जाता है। पहले यहां ज्यादा था, ध्यान से देखना डायग्राम को। विंड इरोजन हवा के द्वारा जब हवा चलती है रेगिस्तान में, तो मिट्टी उड़ के यहां से यहां आ जाती है, वहां कम हो जाती है, यहां बढ़ जाती है, इसको कहते हैं विंड इरोजन। बहुत बढ़िया प्रिया जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशबू यादव जी, गुड मॉर्निंग। चलिए काफी लोग आ चुके हैं, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग फटाफट। ठीक है, यहां पर तो विंड इरोजन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए अब मैं आपको कुछ टर्म बताऊंगा, पहले हमारे पास एक एट्रिशन होता है। क्या होता है दोस्तों? एट्रिशन होता है यहां पर। ठीक है, देखो पहले सवाल हमारे पास आता है यहां पर, एट्रिशन क्या होता है यहां पर, देखते हैं। देखिए एट्रिशन, एक होता है डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन, और एक होता है एब्रेजन। ठीक है, एब्रेजन, ठीक है, यहां पर तीन चीजें हैं हमारे पास, एट्रिशन, डिफ्लेशन और एब्रेजन। ठीक है, यहां पर देखते हैं यहां पर ये कंडीशन क्या होती है हमारे पास। यहां पर तीन चीजों को समझेंगे पहले हम लोग, यहां पर क्या होते हैं समझना, इसके कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे आपको बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट। पहले हमने देखा एट्रिशन, एक होता है डिफ्लेशन, और एक होता है हमारे पास यहां पर एब्रेजन। ठीक है, इसको हिंदी में देख लेंगे। देखो दोस्तों एट्रिशन की बात, इसको कहते हैं सत्री घर्षण। क्या कहते हैं एट्रिशन को? सत्री घर्षण। सत्री घर्षण, ठीक है, पहली चीज। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरी कंडीशन हमारे सामने आती है यहां पर डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कहते हैं अपवहन, ठीक है, अपवहन। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसको हमारे पास जो एब्रेजन होता है उसको कहते हैं अपघर्षण। क्या कहते हैं इसको? अपघर्षण।
अब देखो सीरीज बनाते हैं, सीरीज पहले क्या होता है हमारे पास, पहले होता है डिफ्लेशन, पहले होता है डिफ्लेशन होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास होता है एवरेजन, उसके बाद क्या होता है एवरेजन, और लास्ट में बात करेंगे हमारे पास क्या होता है यहां पर एट्रिशन। ठीक है, यहां बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गुड मॉर्निंग अक्षय जी, अक्षय जी, अक्षय जी मैराथन कल है मेरी, कल मैराथन होगी सुबह 10 से लेके 11, 12, 1, मतलब 10 से 1 तक लूंगा, 3 घंटे क्लास मैराथन है कल। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर अब देखो अगर मैं सीरीज बनाऊंगा इसका सीरीज, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये वर्ड तो हम सुन ही रहे हैं पहली बार, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है हमारे पास, डिफ्लेशन क्या होता है, एब्रेजन क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तीनों कंडीशन कॉन्सेप्ट देखेंगे यहां। सबसे पहले देखो मिट्टी की बात करें, रेगिस्तान में मान लेते हैं हम यहां पर कहां पर क्या किसका घर बनाते हैं, अक्षत का, ठीक है। यहां पर अक्षत यादव का हम घर बनाते हैं, सहारा डेजर्ट में फेंक देते हैं इनको ले आके, वहां पर कहां सहारा के रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं कोई मकान नहीं, वहां एक झोपड़ी या कुटिया किसकी, अक्षत की, अक्षत हो चुके बूढ़े 60 प्लस है, 60 प्लस है, वहां अपनी बुड्ढी के साथ रहते हैं, मतलब अपनी वाइफ के साथ रहते हैं उस कुटिया के अंदर। अब क्या होता है उस कुटिया के अंदर, क्या होता है वहां पर, अब देखते हैं वहां पर कुटिया कैसी थी, यहां पर मतलब ऐसी थी कि रेगिस्तान में जब हवा चलती है हवा उस कुटिया का छप्पड़ उड़ा के ले आती है, कभी कभी खिड़की उड़ जाती है, यहां पर ऐसी जगह अक्षत रहते हैं यहां पर, ठीक है। अब बात समझेंगे यहां पर, हां बेटा सैटरडे की मैराथन है कल, सैटरडे को 10 से 1 मैराथन है। अब क्या होता है इन तीन वर्ड का मतलब समझेंगे, डिफ्लेशन को हिंदी में अपवहन कहते हैं, एब्रेजन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अपघर्षण कहते हैं, एट्रिशन का मतलब होता है हमारे पास यहां पर, एट्रिशन को हम कहते हैं सत्री घर्षण कहते हैं यहां पर। अब मान लेते हैं दोस्तों ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान की रेत है, रेगिस्तान की रेत में बजरी पाई जाती है, बजरी। अब बजरी पाई जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर यहां से हवा चलती है, यहां से हवा चलती है, चलने लगी है हवाएं, ठीक है, यहां से कहां से चलने लगी है दोस्तों हवाएं यहां से रेगिस्तान में, तो जब मिट्टी उड़ती है हवा चलेगी मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी उड़ेगी, मिट्टी उड़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं डिफ्लेशन, याद रखना मिट्टी उड़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं डिफ्लेशन। रेगिस्तान में जो मिट्टी उड़ती है यहां से हवा के द्वारा जो मिट्टी उड़ रही है उस मिट्टी को उड़ाने की प्रक्रिया को डिफ्लेशन कहते हैं, और डिफ्लेशन अपवहन, मिट्टी का अपवहन हो गया। यहां तक क्लियर, देखो तीनों वर्ड को एक साथ मिला के बताऊंगा यहां पर, बिल्कुल। चलिए सुषमा जी, ज्योति जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं यहां पर, बिल्कुल देखिए ध्यान से, यहां पर डिफ्लेशन मिट्टी उड़ाने की। अब भाई मिट्टी उड़ती है, आपने सुना है कि रेगमार देखा है, एक कागज होता है, रेगमार क्या होता है, एक कागज होता है, खुरकुरा टाइप का कागज होता है, जब घर में हम पेंट करने बुलाते हैं तो पेंटर क्या करता है रेगमार का कागज लेकर आता है, दीवार को इस तरह घिसता है, रेगमार का कागज पूरा घिस जाता है पर पेंट निकल जाता है पुराना वाला, जब पुराना पेंट निकलेगा तो नया पेंट चढ़ाऊंगा उसके ऊपर दीवार के ऊपर। अब रेगमार क्या होता है बिल्कुल चिकना हो जाता है, रेगमार क्या होता है चिकना करता है दीवार को, और ये खुरखुरा कागज होता है। इसी प्रकार से जब यह हवा लगातार चट्टान पे पड़ेगी जो रेत होती है बालू होती है रेगिस्तान के अंदर, वो बालू एक एक करके उड़ती जाएगी, एक समय ऐसा हो जाएगा नीचे चिकना पत्थर आ जाएगा, चिकनी चट्टान आ जाएगी, रॉकी स्टोन आ जाएगा यहां पर, जो चिकनी चट्टान आगे इतना घिस दिया जमीन को, इतना उड़ा उड़ा के घिस दिया इसने, तो क्या हुआ उड़ उड़ के घिसते घिसते अक्षत का मकान तो गायब हो गया, अक्षत के मकान के नीचे मिट्टी थी, मिट्टी भी उड़ गई सारी की सारी, नीचे चट्टान आ गई, चिकनी चट्टान रेगमार के पत्थर की भांति घिस दिया, इसे ऐसे घिसने को कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं दोस्तों एब्रेजन। अब क्या हो गया एब्रेजन हो गया, अक्षत के घर का एब्रेजन हो गया यहां पर, उनका हमने सहारा डेजर्ट में घर दिया था उनको गिफ्ट में, बिल्कुल समझ में आ गया। अब दोस्तों ये हवा चलती है, हवा ने मिट्टी को उड़ाया डिफ्लेशन, और रेगमार के भांति कागज की तरह यहां पर पत्थर चिकना हो गया एब्रेजन। दूसरी बात, तीसरी बात भैया, यहां से मिट्टी उड़ के ऊपर जाती है, यहां से मिट्टी ऊपर उड़ के जाती है, देखिए ध्यान से, यहां पर यहां से मिट्टी ऊपर उड़ के जाती है दोस्तों यहां पर, ठीक है, ऊपर इसके मिट्टी के कण ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा। जब दोस्तों हवा तेज होगी, हवा जब तेज होगी, हवा की रफ्तार से क्या होगा, पीछे वाला जो मिट्टी का कण होगा वो आगे वाले को धक्का देगा, पीछे वाला मिट्टी का कण होगा आगे वाले को धक्का देगा, आपस में धक्का मुक्की चलेगी तो क्या होगा, आपस में टकरा के ऊपर टूट फूट जाएंगे। यहां पर क्या होगा, जो मिट्टी के कण उड़ते हैं ऊपर जाके पीछे वाला आएगा मिट्टी का कण, आगे वाले मिट्टी के कण को धक्का देगा, धक्का मुक्की चलेगी तो क्या होगा, धक्का मुक्की से लोग गिर जाते हैं, ऐसे वो टकरा के टूट गए छोटे छोटे कण होके, जहां हवा कम हुई नीचे बैठ जाएंगे वो कण, तो हम
बात करेंगे जब इनमें धक्का मुक्की होती है ऊपर, ऐसी धक्का मुक्की को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एट्रिशन। क्या कहते हैं? एट्रिशन। एट्रिशन समझ में आ गया? तो मैंने यहां से मिट्टी उड़ा के नीचे बैठा दी आपके लिए, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग पूनम कुमारी जी। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। डिफ्लेशन क्या होता है? मिट्टी उड़ाने की प्रक्रिया होती है डिफ्लेशन। जब मिट्टी उड़ गई वहां से, मिट्टी उड़ाने की प्रक्रिया डिफ्लेशन। उसके बाद दोस्तों क्या होता है दूसरी कंडीशन, जब जमीन को मिट्टी इतनी उड़ जाती है, जमीन को रेगमार की भांति चिकना कर देती है, घिस घिस के चिकना कर देती है, उसको कहते हैं हम एब्रेजन। यहां पर जब एब्रेजन होने का, मिट्टी ऊपर उड़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो क्या होता है इसके छोटे छोटे कण आपस में टकरा के टूट फूट जाते हैं ऊपर की तरफ, और फिर जब हवा का वेग कम होता है वहां नीचे गिर जाते हैं। उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एट्रिशन कहते हैं यहां पर, बिल्कुल। मंजुला धारा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, नेहा यादव जी आ चुकी है क्लास में। ज्योति पाठक जी, इतनी बात क्लियर है? मनोज कुमार जी, गुड मॉर्निंग। चलिए अक्षत भैया, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया अक्षत भैया को, अच्छी तरह समझ में आ गया। आप इनको मालूम है रेगिस्तान में घर बनाना बहुत रिस्की है, हवा चल गई छप्पल उड़ जाएगा घर का। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, दीपक क्लियर है। चलिए दीप जी आ चुके हैं, नमस्कार दीप जी, कैसे हैं आप? चिंटी जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आगे देखते हैं, क्लियर हो गया? तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए दोस्तों। पहले बात करते हैं डिफ्लेशन की, बात करेंगे एब्रेजन की। अब आपको मैं डायग्राम दिखाया, तो देखो लिखा हुआ सब कुछ है आपके पास, लिखा हुआ सब कुछ है, पर आपको अपने माइंड में सेट करना है यहां पर चीजें कैसे बनी है। चाहे तो डायग्राम के थ्रू सेट करो, कैसे भी सेट करो माइंड में। पहले मैं आपको दिखाता हूं यहां डिफ्लेशन, दिखाता हूं यहां पर, ठीक है। डिफ्लेशन दोस्तों क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, मिट्टी के पार्टिकल से कण है, ठीक है। जब ये आते हैं उड़ा के ले जाते हैं दूसरी जगह, तो दूसरी जगह इकट्ठा इतना करते हैं, और फिर जब हवा चलती है मिट्टी के कण को उठा लिया इसको उठाया, तो दोस्तों हमारे पास क्या होता है, इस प्रकार के कण इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। हवा से उड़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग यहां मिट्टी को, और एक जगह इकट्ठा करता है, तो क्या कहते हैं डिफ्लेशन कहते हैं इसको, मतलब अपवाहन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिफ्लेशन के बाद हम बात करते हैं यहां पर एब्रेजन, ठीक है। जब हमारे पास हवा इतनी तेज चलती है कि इसको रेगमार की भांति चिकना कर देती है पत्थर को, तो दोस्तों आप देख सकते हैं पत्थर इस प्रकार चिकना हो जाता है, घिसट पड़ जाती है यहां पर, इस घिसटों के द्वारा यहां पर खुशबू यादव जी, खुशबू जी आपको कौन नहीं पहचानता, ठीक है। 11 मुल्कों की प्लेस ढूंढ रही है, 12वीं से बातचीत चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं यहां पर, आगे देखिए। रानी यादव जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, सभी लोग फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे दोस्तों। देखो ये रेगमार की भांति पत्थर घिस घिस के चिकना हो गया, तो उसको कहते हैं एब्रेजन, या कुरीजन भी बोलते हैं इसको, अपघर्षण बोलते हैं इसको, अपघर्षण बोलते हैं यहां पर, बिल्कुल। देखिए उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, बताऊंगा अभी आपको, एट्रिशन। जब पत्थर क्या नाम है ऊपर की तरफ जाते हैं टूट फूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में नीचे की तरफ गिर जाते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले कभी पत्थर यहां हुआ करता था, उड़ गया यहां आ गया, टकरा टूट फूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होकर नीचे गिरा, उसको एट्रिशन कहते हैं, सत्री घर्षण कहते हैं, एट्रिशन कहते हैं यहां पर, लिखो वो आपके सामने है यहां पर, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए एक बार क्लास को लाइक कर देंगे सब लोग फटाफट, जल्दी से क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे फटाफट जल्दी से। तो आई होप सो आपको तीन वर्ड समझ में आ चुके हैं यहां पर। चलिए बेटा फनी मूड में नहीं हूं यहां पर मैं, एक्चुअली क्या होता है आप लोग बड़े परेशान रहते हैं कि दिन भर में क्या नाम सीधी बातें, कहीं मम्मी से गालियां खाना, कहीं पापा से गालियां खाना, ठीक है, कभी टेंशन लेना, कभी पढ़ाई की टेंशन, कभी पढ़ाई का बर्डन लेना, एग्जाम आ रहा है हमें क्या पढ़े क्या ना पढ़े सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारा माइंड क्या है एक स्ट्रेस बोर्ड बन चुका है पूरी तरह से। एक घंटे की क्लास में आपके पास आप पढ़ते भी हो, ज्ञान भी मिलता है आपको, प्लस आपका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, मैं नहीं कह रहा 100%, मैं कह रहा हूं 1% भी स्ट्रेस कम होता है तो बेटर है, ठीक है। स्ट्रेस हटाओ माइंड से, जितना स्ट्रेस कम होगा माइंड में उतना पढ़ाई में फोकस ज्यादा कर पाओगे आप लोग, ठीक है यहां पर। इसलिए हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और हंसने के कारण आपका खून बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा 10-20 किलो खून बढ़ जाएगा, हमारे पूरी बॉडी के अंदर खून टोटल कितना 5 से 6 लीटर होता है, मतलब कुछ ग्राम कुछ यूनिट्स आपको खून बढ़ सकता है यहां पर। हंसते हंसाते रहो और क्लास में लाइक करते रहिए फटाफट, क्लास में आते रहिए, बहुत बढ़िया।
ठीक है यहाँ पर, चलिए बहुत बढ़िया आगे देखते हैं। यहाँ पर शादत जी वालेकुम सलाम, शादत बहुत लेट आए क्लास में आज, तो ये 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। अब रेगिस्तान के अंदर मैं आपको ले चल रहा हूँ दोस्तों, वेलकम टू द डेजर्ट, हम डेजर्ट में चलते हैं यहाँ पर बिल्कुल। देखिए यहाँ पर चलिए, जूनियर निकेश जी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जूनियर निकेश जी। देखिए यहाँ पर बस ज्योति पाठक जी, क्लास में मजा तो आता है, थोड़ा पढ़ लो ठीक है, थोड़ा पढ़ाई कर लो, मतलब क्लास में मजा आता है, मैं डांस थोड़ी करता हूँ क्लास के अंदर, इधर देखो ध्यान से बस पढ़ो, बाकी आगे फ्यूचर में आप अच्छे तो ये चाहते हैं कि क्लास में टीचर डांस करके भी दिखाया हमें। आगे देखो यहां हम बात करेंगे, ये कुछ लैंडफॉर्म्स होते हैं, मान लेते हैं रेगिस्तान के अंदर एक चट्टान ऐसे खड़ी है, एक रॉक, रेगिस्तान के अंदर एक चट्टान ऐसे खड़ी है दोस्तों, किस तरह, इस तरह से खड़ी है हमारे पास चट्टान ठीक है यहां पर। उसका दोस्तों क्या होता है, उस रेगिस्तानी चट्टान का ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा ये कठोर होता है, ये क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है रेगिस्तान की चट्टान का, कठोर होता है, हार्ड होता है ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है रेगिस्तान की चट्टान का दोस्तों, ये वाला ये मुलायम होता है, कैसा होता है, ये मुलायम होता है, मुलायम मतलब सॉफ्ट होता है ठीक है यहां पर बिल्कुल 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 ठीक है, इतनी बात क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया आगे देखते हैं यहां पर। अब क्या हुआ, जब यहां पर ये कठोर चट्टान है, हार्ड रॉक से ये सॉफ्ट रॉक है भैया, सॉफ्ट रॉक जो होता है मुलायम चट्टान होती है जो मिट्टी से बनी होती है, अगर रेगिस्तान में सामने खड़ी है, हवा यहां से भी लगेगी, हवा यहां से लगेगी तो इरोजन होगा, आपर्दन होगा, जो मुलायम चट्टान होती है वो आपर्दित हो जाती, इरोडेड हो जाती है। तो दोस्तों यहां से चट्टान कट के किस तरह, इस तरह से चट्टान आपको मिल जाएगी यहां पर ठीक है, यहां तो हमें आकृति कैसे मिलेगी, ये वाला जो एरिया है वो इरोजन हो जाएगा हवा के द्वारा, ये एरिया क्या होगा जो मुलायम चट्टान वाला है वो इरोड हो जाएगा, बह जाएगा एग्जांपल, तो आपको कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी। जो कठोर चट्टान है हार्ड रॉक से आपके सामने, वो तो खड़ा रह गया यहां पर, हार्ड रॉक्स यहां पर ठीक है, और जो मुलायम, कभी किसी जमाने में चट्टान ये इस तरह से हुआ करती होगी किसी जमाने में ठीक है यहां पर। अब क्या हुआ, जो इसके आसपास का जो एरिया जो ये इरोड हो चुका है हवा के द्वारा, तो मिट्टी उड़ी है यहां से, ये वाली मिट्टी आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये मिट्टी उड़ी है यहां से ठीक है, ये इरोजन हुआ है, और ये जो एरिया हमारे पास अब बचा रह गया, ये हार्ड रॉक्स वाले एरिया बचा रह गया, अगर समय ऐसा है ये भी मुलायम चट्टान हुई तो इसका भी अगर पूरा इरोजन कर दिया गया तो ये मोटी वाली गुफा है जो दिख रही है आपको, ये हार्ड रॉक से ये उठा के धड़ाम से नीचे आके गिर जाएगी, एग्जाम्पल आपके सामने ये गिरी पड़ी हुई है ये रही ठीक है, एक क्या है ये गिरी ये साइड में चट्टान, अगर ये नीचे वाली रॉक्स का भी इरोजन हो गया, ये भी मुलायम मुलायम चट्टान हुई तो हार्ड रॉक्स नीचे आके गिर जाएगी इस प्रकार, जैसे ये पड़ी है ठीक है यहां पर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अपनी भाषा में हम बोलते हैं मशरूम की तरह दिख रहा है, इसको कहते हैं मशरूम रॉक, क्या कहते हैं इसको, मशरूम रॉक। अगर पूछे मशरूम रॉक कहां मिलती है, एग्जांपल सिंपल पूछता है मशरूम रॉक कहां मिलती है, आप बोलोगे रेगिस्तान में मिलती है, कहां मिलती है मेंस में लिखने के लिए सारी कहानी है पूरी, मशरूम रॉक कहां मिलती है, मशरूम रॉक को एक नाम से और जानते हैं ज्यूजांस, क्या कहते हैं इसको, ज्यूजांस, ज्यूजांस कहते हैं मशरूम रॉक को बिल्कुल। मैंने पत्थर उड़ जाते हैं तो रुकते कहां है, देखो यहां पर अगर हम बात करें पत्थर किस आकार का, पत्थर की बात कर रहे हो, अगर देखो पत्थर उड़ते, पत्थर एक्चुअली क्या होता है जो इरोडेड होता है, पत्थर जब छोटे 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 कणों में होते हैं, यहां पर जब हवा का वेग तेज होता है, स्पीड तेज होती है, तब उतना उड़ पाते हैं जितनी हवा चल रही होती है, जहां हवा की स्पीड कम होती है, जहां हवा की स्पीड कम हुई वहां वेलोसिटी डाउन होती है, पत्थर नीचे आके बैठ जाते हैं, उसके क्या कहते हैं हमारे पास, हवा की स्पीड पर डिपेंड करता है, कितना दूर उड़ा के ले सकते हो, कितना बड़ा पत्थर है वो भी डिपेंड करता है हमारे पास ठीक है बिल्कुल। विकास कुमार जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, साधना कुमार जी आ चुकी हैं, नेहा यादव जी क्लास में हैं, चलिए बहुत बढ़िया ठीक है यहां पर, इतनी बात क्लियर है। एक बार क्लास को लाइक कर देंगे सारे भाई बहन, जितने भाई बहन क्लास में मौजूद है एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ काजल कुमारी जी, क्लास का टाइमिंग, क्लास का टाइमिंग देखो हमारा, अगर आपको एनसीईआरटी वाला बैच ज्वाइन करना है सुबह 10 से 11 चलता है, रेगुलर बैच है ये 10 से 11, आपको मंडे से लेके सैटरडे मिलेगा यहाँ पर। और हाँ कल बैच नहीं होगा ये वाला, कल हमारे पास मैराथन सीरीज है सुबह 10 बजे, 10 से लेके 1 बजे तक क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम में, स्टेट पीएससी में आने वाले क्वेश्चन और यूपीएससी के क्वेश्चन आने वाले बिल्कुल। डेजर्ट में तो सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं, अभी आएंगे यहां पर अर्जुन जी, अभी आते हैं सैंड ड्यून्स में भी आएंगे, सैंड ड्यून्स बनेंगे, सैंड ड्यून्स के पार्ट भी मिलेंगे आपको यहां पर, आपको लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स मिलेंगे, स्टार लाइक सैंड ड्यून्स मिलेंगे, लैटिट्यूडनल सैंड ड्यून्स मिलेंगे आपको यहां पर, रिवर शेप सैंड ड्यून्स मिलेंगे आपको यहां पर, ओवल सैंड ड्यून्स मिलेंगे, सैंड ड्यून्स बहुत सारे भी कराऊंगा आगे आपको यहां पर बिल्कुल ठीक है यहां पर, इतनी बात क्लियर है बिल्कुल।
क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। ये मशरूम रॉक क्या होता है, छत्रक शिला क्या होती है, मरुस्थल मतलब डेजर्ट में किसी चट्टान का ऊपर का भाग कठोर होता है, ऊपर का भाग कठोर होता है और नीचे का भाग मुलायम होता है, तो पवन नीचे के भाग को अधिक काटती है, हवा क्या करती है नीचे के भाग को अधिक काट देती है और ऊपर की चट्टान का अपरदन कम होता है, इसका इरोजन कम होगा। यहां पर इरोजन मतलब ये छोटे छोटे एरिया देखा, यहां पर जो मुलायम रॉक रह गई होगी यहां इसका इरोजन बहुत कम लेयर में हुआ है यहां पर, ठीक है। यहां तो छत्रक भूआकृति बन जाती, तो क्या होती है छत्रक की दिशा बन जाती है, मशरूम रॉक कहते हैं इसको, मशरूम रॉक बन जाता है यहां पर, बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं यहां पर, ठीक है। यहां इधर देखो ध्यान से, समझ में आ गया, यहां पर बेटा तुम रेगिस्तान में नहीं घूम रहे कि पत्थर लग जाए खोपड़े पे, याडांग ऐसा लग रहा है कि बाहुबली, अपने मूवी देखी थी बाहुबली वाला पार्ट के अंदर जो हमारा बल्लाल देव का महल दिखाया था, इस प्रकार का कुछ दिख रहा है। दोस्तों बताता हूं ये कैसे बनता है यहां पर, बिल्कुल भैया ये बल्लाल देव का महल नहीं है यहां पर, बाहुबली में यहां पर देवसेना नहीं रहती, यहां पर देवसेना नहीं मिलेगी आपको, ये आपको कैसे मिलेगा मैं बताता हूं आपको। यहां पर जल्दी अब क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट। दोस्तों क्या होता है रेगिस्तान में, देखो हम सीन ए पहले एक से एक सीनरी की बात करते हैं। रेगिस्तान में ये चट्टान इस तरह होती है, यहां पर ये रेगिस्तान है, इस तरह चट्टान खड़ी है। सीन नंबर दो में क्या होता है यहां पर, इन चट्टानों के अंदर दोस्तों यहां पर क्या होता है, ये कठोर है हार्ड है रॉक, उसके बाजू में दोस्तों सॉफ्ट रॉक मिल जाती है यहां पर, ये फिर हार्ड रॉक मिलता है, फिर ये आपको सॉफ्ट रॉक मिलती है, ये हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। तो मान लेते हैं ये चट्टान हमारे पास, याद रखना जो हार्ड रॉक कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान के पास मुलायम चट्टान का अपरदन हो जाता है, कठोर चट्टान ऊपर रहती है, मुलायम चट्टान यहां अपरदित हो जाती है, इरोडेड हो जाती है, यहां पर ऐसा कुछ आकृति हमें देखने को मिलता है। सॉफ्ट रॉक हमारे पास क्या होती है यहां पर, तो हम कह सकते हैं यहां पर ये हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा। अगर मैं इसका तीसरा सीन बनाऊं, थर्ड सीन बनाता हूं यहां पर, तो मुझे रेगिस्तान में कैसे कैसे मुझे ये इस टाइप के चट्टानें मिल जाएंगी मुझे यहां पर ऐसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड रॉक था, इसका इरोजन नहीं हो पाया, जो सॉफ्ट रॉक हुआ करती थी वो इरोड हो गया, तो रास्ता बन गया नाली सा। तो आपने देखा ऐसे चबूतरे बन जाते हैं रेगिस्तान में, ऐसी स्थलकृति को जो हार्ड रॉक हो गया बचा रह गया, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया, हार्ड रॉक बचा रह गया, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया, हार्ड रॉक बचा रह गया और सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो गया आगे। तो दोस्तों ऐसी स्थलकृति, ऐसी लैंडफॉर्म मुझे मिलेगी, ऐसी लैंडफॉर्म को हम लोग कहते हैं याडांग। क्या कहते हैं? याडांग भी कहां? रेगिस्तान में मिलेंगे याडांग, बिल्कुल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, खुशबू जी आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। देखिए ध्यान से, याडांग मैंने बताया छत्रक शिला में क्या होता है, ऊपर कठोर चट्टान होती है, नीचे मुलायम चट्टान होती है, हवा की दिशा के द्वारा मुलायम चट्टान का इरोजन हो जाता है, ऊपर बची रहती है बड़ी वाली कठोर चट्टान, इसको कहते हैं हार्ड रॉक, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, छत्रक शिला कहते हैं या मशरूम रॉक कहते हैं उसको, या ज्यूजांस भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर दूसरा याडांग क्या होता है, हमारे पास कुछ रॉक लंबवत दिशा में होती है, हमारा पैरेलल होती है एक दूसरे के, हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट, जो सॉफ्ट रॉक होती है उसका इरोजन हो जाता है हवा के द्वारा और उसके बाद बची रहती है हार्ड रॉक, ऊपर बची रहती है। तो ऐसी कुछ स्थलकृतियां मिलेंगी हमें, ऐसी कुछ लैंडफॉर्म मिलेंगे, आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम यहां पर, इस प्रकार लैंडफॉर्म मिलता है हमें, इसको हम लोग क्या कहते हैं याडांग, क्लियर। इतनी बात क्लियर है? चलिए रिप राजा जी, राधा राधे कैसे हैं, क्लास को एक बार लाइक कर देंगे सब लोग फटाफट, क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट। ठीक है, यहां पर क्लियर है इतनी बात? ओके क्लियर। आगे जाते हैं, देखिए डैमोसिल्स, डैमोसिल्स क्या होती है, यहां रेगिस्तान में ऐसी आकृति मिलेगी आपको, इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपर की बहुत पतली चट्टान होती है दोस्तों ये वाली, ठीक है, बहुत पतली चट्टान होती है, पर ये चट्टान जो रॉक होती है वो बहुत हार्ड रॉक होती है, कठोर चट्टान होती है, ठीक है। नीचे इसके पूरे क्या मिलेगी हमारे पास, सॉफ्ट रॉक मिलता है, मुलायम चट्टान नीचे की तरफ मिलती है यहां पर दोस्तों, यहां पर मुलायम चट्टान, ठीक है, यहां पर ये क्या है दोस्तों, सॉफ्ट रॉक है यहां पर,
अब मान लो कभी किसी जमाने में ये पूरे एक रॉक हुआ करता है इस तरह से, क्योंकि ऊपर पतली सी परत है हमारे पास को हार्ड रॉक कहते हैं, वो पतली सी परत इस नीचे वाली परत को बचा के चल रही थी यहां पर कब तक बचाती यहां पर साइडों में नहीं बचा पाई, यहां हवा आई, हवा ने इसके यहां पर साइड में इरोजन कर दिया, यहां पर मिट्टी उड़ा के ले गई हवा, यहां पर आपके सामने मिट्टी उड़ा के ले गई हवा यहां पर, ठीक है। जब हवा मिट्टी उड़ा के ले गई तो हमें जो आकृति मिली, जो स्थल आकृति मिली, ये वाला लैंडफॉर्म मिला तो कुछ इस तरह से मिला हमें यहां पर। तो ऊपर क्या है दोस्तों, हार्ड रॉक से हमारा हार्ड रॉक्स ने नीचे सॉफ्ट रॉक को बचा लिया, और एक समय ऐसा होगा इन सब का इरोजन हो जाएगा, जब ये सब इरोडेड हो जाएंगे जो हार्ड रॉक दिख रही है वो कठोर चट्टान दिख रही है, वो कठोर चट्टान आके नीचे गिर जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ये पड़ी है, एग्जाम्पल ये पड़ी है कठोर चट्टान आपके सामने, ऐसा हो जाएगा पर ऐसी आकृति मिलेगी ऊपर की पतली चट्टान, तो कहते हैं डेमोसिल। ऐसी स्थलकृति है, ऐसी लैंडफॉर्म कहां मिलेंगे, डेजर्ट मिलेंगे आपको यहां पर, डेजर्ट्स में मिलते हैं यहां पर। लुकिंग लाइक ए ट्री, बिल्कुल बिल्कुल, इट लुक्स लाइक ए ट्री, ठीक है, ट्री की तरह दिख रहा है यहां पर ऐसी स्थलकृति है। देखो दोस्तों, अगर हार्ड रॉक यहां पतला है तो क्या कहेंगे, डेमोसिल कहेंगे। अगर हार्ड रॉक यहां पर अगर मोटा हो जाता है यहां पर तो कहते हैं इसको मशरूम रॉक कहते हैं, ये मशरूम रॉक हो जाता है यहां पर। बात वही आ रही है, मुलायम चट्टान अपरदित हो रही है, इरोडेड हो रही है, और कठोर चट्टान ऊपर रह जाती है यहां पर। थानोस के हैंड लग रहे हैं ये रॉक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां पर समझ में आ गया। दोस्तों आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम रेगिस्तान में चल के पत्थरों में अपना सर मार रहे हैं, यहां पर पत्थर सीख रहे हैं, पत्थर मुलायम होते हैं, पत्थर हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, उन पत्थरों के अंदर कैसे इरोजन होता है हमारे पास, सॉफ्ट रॉक कैसे इरोड होती है, हार्ड रॉक कैसे इरोड होती है यहां पर। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं आपके, हमारे दीपक सर हमारे साथ आ चुके हैं। Hello. दीपक सर आपको आज से साइंस एंड टैक, साइंस एंड टैक पढ़ेंगे ना आप, साइंस एंड टैक की जबरदस्त 11 बजे क्लास होने वाली है, आज से स्टार्ट है आपके साइंस एंड टैक। दीपक सर नए अवतार में आ रहे हैं आपके लिए यहाँ पढ़ाने के लिए, साइंस एंड टैक सर बताइए बच्चों। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बिल्कुल सर के साथ तो आप मजे ले ही रहे हैं लगातार। देखिए मैं साइंस एंड टेक भी लेकर आऊंगा, साथ में आपको यूपीएससी और सीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं, ठीक है। 11 बजे डेली 11 बजे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, साइंस एंड टेक मिलेगी, और विथ कॉन्सेप्ट आपको कवर होगा, मतलब आपको पहले कुछ कुछ थ्योरी का पार्ट, फिर एमसीक्यू, इस तरीके से हम लोग लेते हुए चलेंगे। गुड मॉर्निंग मनोज, अक्षत, डेली सुबह 11 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे होगी, यूपीएससी अड्डा 24/7 पर। बिल्कुल दीप, हेलो गुड मॉर्निंग सुषमा एवरीवन, तो सर के साथ तो मजे लीजिए आप लगातार, जियोग्राफी में तो आप बहुत ज्यादा, मुझे पता है आपको महारत हासिल हो गई होगी अगर आप लगातार देखते रहेंगे। रेगुलरिटी देखिए सबसे ज्यादा, रेगुलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेगुलर नहीं है तो आप कहीं भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। रेगुलरिटी बनाइए, एक बार मैं आपसे गारंटी लेता हूं आपको यहां वो मिलने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको तो 11 बजे याद रखना, मिलते हैं यहां पर ही इसी यूट्यूब चैनल पे 11 बजे, ठीक है। शुरुआत करेंगे बिल्कुल डाउन टू, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, और मैं आपको उस लेवल तक ले जाना चाहूंगा जहां तक आप जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए सर की क्लास 11 बजे आज से ज्वाइन करेंगे सभी बच्चे, जितने भी लोग हैं क्लास में, ठीक है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए भाई फटाफट जल्दी से। और अभी किसी ने बोला प्रतिमा जी ने, सर आप गुस्से में लग रहे हैं। प्रतिमा जी ऐसा होता है, मैं बताऊं, दुनिया में सबसे तेज बदलने वाला चीज पता है क्या होता है, मन। दुनिया में सबसे तेज चंचल होता है हमारा मन, हमारा मन पल पल बदल जाता है यहां पर। हमारा मन कब गुस्सा आता है, कब क्या नाम है, हम नॉर्मल हो जाते हैं, वो किसी को नहीं पता होता, ठीक है। यहां पर कभी कभी हमेशा मूड एक जैसा नहीं होता, मूड कभी अप डाउन चलते हैं, आप सब जानते हैं यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए क्या नाम है, तो कभी देखो ऐसा कभी आपको लग रहा होगा बहुत मजाक कर रहा हूं, कुछ बच्चे मजाक के चक्कर में निकल लेते, कहते यार सर तो यार पढ़ाते मतलब पढ़ रहे मजाक कर रहे हैं। हम पढ़ने वाले बच्चे, हम तो इतना पढ़ लेंगे कि अगले जन्म में हम अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म लेके पैदा होंगे, उससे कम तो ईश्वर से मानेंगे ही नहीं, ठीक है। धरती पे मत भेजो, पहले अल्बर्ट आइंस्टीन जैसी बुद्धि दो हमें, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, कुछ लोग होते हैं क्या नाम यार व्हाट इज पढ़ाई, कुछ ऐसे होते हैं जो हंस हंस के पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग बहुत सीरियस होकर भी पढ़िए, ज्यादा पढ़ लिख के लोग पागल ही बन जाते हैं, आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर आगे, देखिए देखो डेमोसेल की बात करते हैं। डेमोसेल ऊपर हमारे पास क्या होता है, हार्ड रॉक होती है, नीचे क्या होती है, सॉफ्ट रॉक होती है, यहां पर सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाता है, तो क्या होता है यहां पर सॉफ्ट रॉक का इरोजन होता है, तो ऐसी आकृति मिलती है, दैट इज डेमोसेल। यहां पर आपको याद करना पड़ेंगे एग्जाम में, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं यहां पर,
अल्फिया जी बनवाऊंगा, पर बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पीपीटी से पढ़ाओ, सर टाइम जा रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए पीपीटी लेकर आया हूँ। ये सब लिखने में मुझे कम से कम एक महीना लग जाता आपको लिख लिख के पढ़ाने के अंदर सिर्फ एक चैप्टर को, ठीक है, यहाँ पर। इसलिए खाली इस चैप्टर को पढ़ लेंगे पीपीटी से, उसके बाद आपको आसान भाषा में नोट्स बनवाए जाएंगे। यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाती है, पीडीएफ नहीं मिल रही तो मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पे जैसे मैसेज कर देना मेरे को। अर्जुन जी उदास कोई नहीं होता, काम का लोड ज्यादा होता है क्योंकि अब ऑप्शनल बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो ऑप्शनल बैच का भी टाइम स्लॉट अलग हो गया है। मेंस वाला बैच भी चल रहा है, प्रारंभ बैच आईएएस का मेंस वाला बैच चल रहा है, ऑप्शनल वाला बैच चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास पीसीएस का वाला बैच चल रहा है, पीसीएस का पेड बैच चल रहा है, हमारे पास एक स्टेट फाउंडेशन बैच चल रहा है, उनमें सारे स्टेट के पीसीएस है हमारे पास, बीपीएससी भी है उसमें, यूपी पीसीएस भी है, एमपी पीसीएस भी है उसके अंदर, उत्तराखंड पीसीएस भी है, ये सारे स्टेट के चल रहे हैं। उसके बाद फिर यूट्यूब पर सुबह एनसीईआरटी क्लास चल रही है, फिर 8 बजे क्लास चलती है। अब सोचो कितना वर्कलोड होगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चलिए पहले खुद हंसूंगा फिर हंसाता हूं। देखिए यहां पर डक एनकाउंटर, ठीक है, इधर देखिए ध्यान से एग्जांपल, आगे देखिए यहां पर। चलिए मंजुलता धरवा जी, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही, एक बार टेलीग्राम में टैग कर देंगे मेरे को, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट पीडीएफ, बिल्कुल मिल जाएगी। प्रतिमा जी देखो यहाँ पर पीडीएफ अगर नहीं मिल रही ग्रुप में डालने का भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि आईएएस पीसीएस वाले ग्रुप में डालूंगा तो वहां पर इतने मैसेज आते हैं, ऊपर स्क्रॉल हो जाती है पीडीएफ डालने के बाद भी, बच्चे कहते पीडीएफ आई नहीं ग्रुप में, और उसमें डली होती पीडीएफ एक दिन पहले दो दिन पहले। चलिए आगे देखते हैं यहां पर, बेटा चुपचाप से पढ़ाई कर लो यहां पर, वरना भी यूक्रेन भेज दूंगा आपको, यूक्रेन पार्सल करके भेज दूंगा कीव के अंदर, आओ फिर पकड़ देना यहाँ के। क्या पता चला कि क्या नाम है, यहाँ से अक्षय जी आगे दौड़ के जा रहे हैं तो रशिया के जहाजों को पकड़ के सीधे वापस रशिया फेंक रहा है आगे। आगे देखो ड्रैगन एनकाउंटर क्या होता है, देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, याद रखना। रेगिस्तान के अंदर मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था, एब्रेजन, बताया था एब्रेजन या कुरिजन, एब्रेजन वाला ही शब्द होता है। रेगिस्तान में जब हवा चलती है, हवा मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, इतना घिस देती है, इतना घिस देती है चट्टान को, यहां पर भैया अलादीन का चिराग नहीं हो रहा जो घिस घिस के जीने निकल जाएगा, घिस घिस के इतना चिकना कर देती है पत्थर, तो ऐसा कुछ पत्थर दिखता है। इस पत्थर को कहते हैं ड्रैगन कैंटर, कहते हैं क्या कहते हैं, रेगमाल की भांति घिस देती है यहां पर, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां पर इतनी बात क्लियर है। अच्छा क्लास में बेटा रशिया भेज दूंगा, भी ज्यादा मत बोलो, इधर पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। यहां पर रशिया में इस टाइम ड्रैगन काउंटर नहीं मिलेगा छुपने के लिए आपको, क्योंकि रशिया हर ठिकाने पे वो लगा रहा है, निशाना लगा रहा है, और इसने यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बोल दिया है कि रशिया के हमने 5 लाख विमान गिरा दिए, यहां पर गिराए नहीं गिराए वो अलग बात है। यहां पर अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी है या नहीं है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पता होना चाहिए इसके बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या रोल है, 2015 में क्या हुआ था, क्रीमिया पेनिनसुला यूक्रेन के पास था, क्रीमिया पेनिनसुला पे कैसे किस तरह से रशिया ने अटैक किया था यहां पर, तो G8 से रशिया को बाहर निकाला गया था, जो G7 कंट्री आज भी है हमारे पास, बिल्कुल सुंदर सा बढ़ा रहा है, आपको दिख रहा है, समझ में आ गया। तो ड्रैगन कैंटर होता है, ये आप देख रहे हो चिकना पत्थर हो गया, घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के इसको चिकना कर दिया पत्थर को यहां पर। जैसे आपने देखा होगा घर में जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं क्या करती हैं, अगर बाथरूम है तो बाथरूम के ब्रश अलग होते हैं, घर के ब्रश अलग होते हैं, कभी क्या करती जाओ जिस जगह येलोइश पड़ जाता है मार्बल पे, तो मार्बल पे तेजाब डालने के बाद तेजाब डालते हैं, स्प्रिट डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ब्रश लेके ब्रश से घिसते हैं यहां पर, घिस घिस के नीचे की जो मेन लेयर होती है जमीन की मार्बल की, वो ऊपर बिल्कुल चमक के सामने आ जाती है और साइड में पड़तन घिस जाती है। इसी प्रकार से इसको कहते हैं हमारे पास ऐसे चट्टान पर हवा से द्वारा, हवा के द्वारा, अपर्दन के द्वारा ऐसे बनेंगे, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगन कांटा। देखो दोस्तों ये रहा, बिल्कुल देखो इन्फुदुएर भैया रशिया से आ चुके हैं यहां पर, बोल रहा है कि सर रशिया भेज दो बच्चों को, मैं स्पेसशिप लेकर आया हूं इनके लिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, एनजीओ मींस भैया एनजीओ तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसलिए देखो मैंने रशिया से एक बच्चा बुला लिया है यहाँ पर, वो आपको लेने आया है अपने प्लेन के अंदर, चार्टर प्लेन, रशिया ले जाएगा वापस आपको और वहाँ की फौज में भर्ती करा देगा, इसलिए पढ़ाई कर लो, वहां नहीं जाना आपको तो, ठीक है। इंसेलबर्ग की बात है, इंसेलबर्ग भैया ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में चट्टान का इतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, रेगिस्तान में चट्टानों का इतना बड़ा पर्वत इकट्ठा हो जाता है। अब मान लो इतना बड़ा पत्थर
सारे इंसान की बात करते हैं, इंसान बेचारा यहाँ पर, गरीब इंसान यहाँ पर रहेगा, इतना छोटा रहेगा, इसके ऊपर ऐसा लगता है सामने से देखने पे मानो कोई आइलैंड है, छोटा मोटा एक आइलैंड है, द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर स्टूडियो आर के जी, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो काजल कुमार जी, ये रशिया की चॉकलेट फेमस है, बिल्कुल यहाँ पर अभी आपको चॉकलेट खिलाएंगे रशिया वाले, मतलब जेट प्लेन से, इधर देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब मान लो यहाँ पर किसने सोचा, यहाँ पर ये आरके स्टूडियो जी ने सोचा, स्टूडियो आरके ने सोचा कि मुझे यहाँ चढ़ना है। स्टूडियो आरके ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मतलब कहते हैं यहाँ पर कहते हैं स्टंप गाड़ गाड़ के ऊपर चढ़ गए, ये स्टूडियो आरके पहुंच गए यहाँ पर और बोला यस विक्ट्री, ठीक है, इन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली। ऊपर जाके स्टूडियो आरके ने क्या देखा, इसकी पठार की ऊंचाई इतनी थी और अभी भी इरोजन हो रहा है, यहां अपरदन अभी भी हो रहा है, मिट्टी अभी भी इसके कट कट के उड़ रही है यहां पर। तो ऊपर जाके देखा, इसके ऊपर मिट्टी का एक भी कण नहीं है, इसके ऊपर मिट्टी का एक भी कण नहीं मिलता, क्योंकि हवा ऊंचाई के कारण, हवा के द्वारा सारी मिट्टी उड़ गई ऊपर से, बिल्कुल प्लेन सपाट मिलेगा ऊपर यहां पर। यह कैसा होता है, इसको कहता है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है, ऐसा लगता है, देखो यहां पर कह रहा है विस्तृत रेगिस्तान में कठोर चट्टान के सामने से ऊंचा, ऐसा लगता है जैसे द्वीप हो, ऐसा लगता है जैसे आइलैंड हो हमारे पास यहां पर। इसकी ढाल तीव्र होती है इसकी यहां पर, और इसके ऊपर मिट्टी का कोई अवशेष नहीं पाया जाता यहां पर, बिल्कुल ठीक है। यहां पर इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है उत्तर जी? उदिता जी आई एम नॉट शाउटिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू, क्योंकि आसानी से, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कहो बच्चों पढ़ लो, तुम पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन द क्लास, ठीक है। द मेन थिंग इज दैट इफ टीचर इज डेस्परेट अबाउट द टीचिंग देन यू हैव टू बी डेस्परेट अबाउट द स्टडिंग, ठीक है। द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट डेस्परेट, यू शुड बी डेस्परेट अबाउट थिंग एंड यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज इंसेलबर्ग, हाउ इज इंसेलबर्ग फॉर्म इन द डेजर्ट रीजन, व्हाट इज अ डेजर्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेजर्टोलॉजी एंड हाउ डज दिस आइलैंड, दिस सीम्स टू बी एन आइलैंड, ठीक है। यहां पर इट इज नॉट द कॉन्सेप्ट, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो अबाउट द डेजर्ट, ठीक है। यहां पर समझ में आ गया, डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर हमारे पास यहां पर क्या होता है, ये हमारे पास एक ऊंचा टीले की तरह दिखता है, यहां पर हमारे पास क्या होता है, टीला होता है, और टीले के अंदर हम बात करेंगे यहां पर, ये ऊंचाई पे अगर जाते हो यहां पर तो आपको मिट्टी के कोई कण नहीं दिखाई देंगे, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसेलबर्ग कहते हैं यहां पर। ये रशिया में बहुत मिल जाएंगे आपको, रूस में बहुत मिल जाएंगे यहां पर, बिल्कुल। इधर देखो ध्यान से, अब देखो यहां पर कंडीशन आती है दूसरा, कि अभी किसी ने पूछा मुझसे, बड़े सैंड न्यूज पूछा था, भाड़ा बजाड़ा क्या होता है, यहां देखते हैं यहां पर। इधर देखिए ध्यान से, यहां देखिए भाड़ा बजाड़ा क्या होता है, अगर मान लो यहां से रेगिस्तान से मिट्टी उड़ के आती है, मिट्टी यहां पर इकट्ठी हो जाती है, याद रखना मिट्टी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, मिट्टी एक जगह इकट्ठी हो जाती है लेयर्स के अंदर यहां पर, और पर्वत के सामने जो माउंटेन रीजन होता है, एग्जाम्पल मान लो ये माउंटेन है, यहां माउंटेन कोई, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं हम इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में थार डेजर्ट, सुना है इंडिया में थार डेजर्ट मिलेगा आपको यहां पर, थार डेजर्ट कहां मिलेगा, राजस्थान में, और राजस्थान में रेगिस्तान मिलेगा, हमारा डेजर्ट मिलेगा, तो यहां मिट्टी उड़कर जाएगी, तो मिट्टी रेगिस्तान के आगे, पर्वत के आगे इकट्ठी हो जाती है, यहां चबूतरे टीले बन जाते हैं मिट्टी के, इसको स्तूप कहते हैं, वैसे स्तूप कहते हैं यहां पर, क्या कहते हैं हिंदी में, स्तूप मतलब टीले बन जाते हैं यहां पर, या हम कहते हैं सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, एक तरह सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, जब यहां पर्वत के सामने जो माउंटेन रीजन आपके सामने है, ये दिस इज द माउंटेन, और माउंटेन के सामने यहां पर जो मिट्टी इकट्ठी होती है यहां पर, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर माउंट, स्पेशली इन द फेसेट ऑफ माउंटेन, माउंटेन के सामने, उसको हम लोग कहते हैं भाड़ा बजाड़ा, ठीक है। इस शब्द का अर्थ किसी पहाड़ी के सामने का ढलान पर हवा के द्वारा कुछ अवसादों को जमा करने, ऐसे चबूतरों को भाड़ा कहते हैं। इसका मतलब भाड़ा वो नहीं होता किराया, हमारे पास भाड़े का मतलब होता है कि माउंटेन के सामने कोई मिट्टी इकट्ठी हो जाती है यहां पर, जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो उसको कहते हैं भाड़ा और बजाड़ा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, यहां तक इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। हेलो सैयद रिजा जी कैसे हैं, अंकित भाई दो दिन की छुट्टी पर हैं, कह रहे हैं कि सर मंडे से आएंगे, अभी इनकी इटली से फ्लाइट डिपोर्ट नहीं किया उनको इटली में, अभी बिना पासपोर्ट के इटली में घुसपैठ कर दिया अंकित ने। यहां देखेंगे भाड़ा क्या होता है, समझना,
पर्वत के सामने रेगिस्तान के अंदर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, चबूतरे टीले बन जाते हैं मिट्टी के, उसको कहते हैं भाड़ा बजाड़ा। बिल्कुल यहां तक क्लियर है? जल्दी फटाफट क्लास को लाइक करेंगे, फटाफट जल्दी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब, फटाफट जल्दी करेंगे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब। अंडरस्टैंड? भाड़ा बजाड़ा, देखिए बड़ चांस भैया, सीधी बात है, दूज का चांद देखा है, जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती है दूज के चांद की तरह। जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे, हमारे पास अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रथा होती है, अलग अलग कल्चर होता है, इंडिया में अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं, हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर इंडिया में पाए जाते हैं यहां पर, ठीक है। जैसे हमारे पास जो पति होता है भारतीय पति, मैं विदेशी की बात नहीं कर रहा, ओनली इंडियन पति की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंडियन पति जब हमारे पास करवा चौथ होता है उसके लिए, मतलब पत्नी का जो दूसरा चांद होता है वो पति होता है, बात समझ में आ, करवा चौथ वाले दिन पत्नी, मतलब पत्नी का दूसरा चांद कौन होता है, अपना पति होता है, यहां पर एक दिन के लिए, ठीक है। यहां पर अगर करवा चौथ पे चांद को देखा आपके आपके छलनी में, उसके बाद दूसरे चांद को देखा सामने यहां पर, ठीक है, फिर व्रत फास्ट खोलते हैं, तो दोस्तों हमारे पास क्या होता है, जब चांद दिखता है ऊपर, पहला वाला चांद दिखता है यहां पर, वो क्या होता है, वो दूज का चांद दिखता है। दूज का चांद मतलब होता है दोस्तों यहां पर, ये इसका शेप कभी कभी फुल मुंडे होता है, कभी इस तरह दूज का चांद दिखता है यहां पर, बिल्कुल। बिना डॉक्यूमेंट के नहीं, कोई बात नहीं, यहां पर इना बिना डॉक्यूमेंट के बोल दिया था, मैं समुद्र के नीचे से आया हूं, परमिशन लेकर आया हूं भूमध्य सागर के नीचे से, ठीक है। यहां पर इतनी बात क्लियर है, ठीक है, यहां पर इधर क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, समझ में आ गया, तो दूज का चांद जो दिखता है यहां पर, शीतल चांदनी रात के अंदर चांद जो दिखाई देता है, अगर मिट्टी इकट्ठी होती है कहां, जमीन पे, यहां रेगिस्तान के अंदर, और ऐसी आकृति बनाती है, ऐसा शेप बनाती है दूज के चांद की तरह, तो उसको कहते हैं बरछांस। बरछांस को क्या कहते हैं दोस्तों, दूज के चांद की आकृति से रेत के बने टीले को बरखान कहते हैं यहां पर, बहुत बढ़िया। एक दिन बहुत है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। यहां पर भैया देखो, एक दिन तो बहुत है, अगले दिन से वही चलो, बर्तन धो, कपड़े धो, ठीक है, तो मतलब समझ सकते हो, आगे देखेंगे। आज क्या बात है, ज्योति पाठक जी के 5 मिनट के लिए, चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के टीले, देखो दूज का चांद बन गया उसको बरखान कहेंगे, पर्वत के सामने मिट्टी इकट्ठी हो गई, भाड़ा बजाड़ा, पर्वत के सामने मिट्टी इकट्ठी होती है, भाड़ा बजाड़ा। अगर मिट्टी ने दूज का चांद लेकर आकृति ले ली तो हमारे पास क्या होता है, उसको कहते हैं बरखान। अगर ऐसे ऐसे मिट्टी के टीले आपके सामने बन जाएंगे, इसको सैंड ड्यून्स कहते हैं, ऐसे ऐसे मिट्टी के टीले रेगिस्तान में, अगर देखना है चले जाना शारजहां। शारजहां कहां पड़ता है, दुबई के पास पड़ता है शारजहां, यू कैन गो ओवर देयर, यहां पर, समझ में आ गया। आगे देखिए, ठीक है, यहां पर ये क्या है हमारे पास, ये रेत के टीले हैं रेगिस्तान के अंदर, कुछ ऐसे दिखेंगे टीले, रेत इकट्ठी होती है उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं, स्तूप कहते हैं, रेत के टीले अथवा स्तूप कहते हैं यहां पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। यहां पर दोस्तों तीन चीज अलग अलग मैंने आपको बताई, अगर पर्वत के सामने मिट्टी इकट्ठी हो रही है तो भाड़ा बजाड़ा, मतलब बैंड बजा रहे हैं पर्वत के सामने, भाड़ा बजाड़े बजाड़ा, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं मैदान में, अगर मिट्टी दूज का चांद, तो पति देवता को याद कर लेना, जो भी स्वामी होते हैं, जो भी पत्नियों के प्राणनाथ होते हैं, उन प्राणनाथ की बात करेंगे तो दोस्तों हम कहते हैं उसको, उसके बाद कहते हैं बरखान, मतलब उसको बरछान कहते हैं, बरछान मतलब दूज के चांद की आकृति का, अगर मिट्टी रेगिस्तान के अंदर इस तरह से अगर टीलों में इकट्ठी होती है आपके पास, को कहते हैं सैंड ड्यून्स कहते हैं, सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले अथवा स्तूप, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया, व्हाट इज सैंड ड्यून्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बरखान, सैंड ड्यून्स एंड भाड़ा बजाड़ा। ओके खुशबू यादव जी, अब ठीक है आप, गुड मॉर्निंग रूही त्यागी जी, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसी चीजें बहुत जल्दी आती है समझ के अंदर, समझ में आ गया। सैंड ड्यून्स क्या होता है, भाड़ा बजाड़ा क्या होता है, दूज का चांद क्या होता है, और पत्नियों का पति अपना एक चांद 5 मिनट वाला कौन सा होता है, समझ में आ गया आपको यहां पर, बहुत बढ़िया।
बेटा पापा से मत बोल देना, 5 मिनट के चांद हो। इधर देखो ध्यान से, आगे देखें, यहाँ पर सैंड ड्यून्स। देखो सैंड ड्यून्स की अलग अलग आकृति होती है। अब रेगिस्तान की बात करते हैं, रेगिस्तान में कई मिट्टियां क्या होती हैं, इस तरह से हमारे पास आकृतियां बनाती हैं, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूड में होता है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब हिंदी में कहते हैं पवन विड़ती रेत का टीला। दूसरा होता है ट्रांसवर्स सैंड ड्यून। कई हमारे पास कुछ रेगिस्तान में हमारे पास यहाँ पर ट्रांसवर्स लाइन, इसको कहते हैं, यहाँ पर इस तरह से रेत के टीले बनते हैं रेगिस्तान में, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं हिंदी में। इसको होता है अनुप्रस्थ रेत के रेत के टीले। एक होता है ओवल सैंड ड्यून। ओवल सैंड ड्यून में क्या होता है दोस्तों, यहां रेत के टीले का आकार ये होता है ओवल, ठीक है। एक होता है रेत का टीला स्टार लाइक, यहां पर इस तरह से हमारे पास स्टार लाइक, ये रेत का टीला होता है स्टार लाइक, ठीक है। यहां पर इतनी बात क्लियर है। और हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर स्टार लाइक हो गया, बरछांस मालूम पता है, दूज का चांद, दूज के चांद की बात करेंगे। दूज का चांद कैसे निकलेगा, ये वाला हो गया दूज का चांद, समझ में आ गया। तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। तो ये आकृति आपके सामने होंगी, 1 2 ठीक है 3। तो हमारे ये सब क्या है, सैंड ड्यून्स के पार्ट है। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स। वेयर डज दिस दीज सैंड ड्यून्स फाउंड, ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर। चलिए, लॉयस रह गया है आपका, पेडिमेंट रह गया है, रिपल रह गया है, चलिए देखिए। देखो यहां पर आपको रेगिस्तान के अंदर ऊंटों पे घुमाया जाएगा, ऊंटों पे बिठाएंगे कल हम यहां पर इस जगह। तो कल याद दिलाना, मैं आपको कल कहां ले जाऊंगा, रेगिस्तान के 2-3 टॉपिक रह गए हैं। अभी सब लोग ज्वाइन करेंगे सर की क्लास, बहुत ही जबरदस्त क्लास आने वाली हमारे सामने, कौन सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अभी ज्वाइन करेंगे, कोई कहीं नहीं लेगा यहां पर, बस 1-2 मिनट के लिए पानी वानी वॉशरूम जाना है, तो चले जाओ फटाफट, जल्दी कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे साइंस एंड टेक में। आज देखेंगे साइंस एंड टेक में आपको सर कैसे उड़ाते हैं मंगलयान की तरफ, ठीक है, मंगल की तरफ आपको उड़ाएंगे और मंगल ग्रह पर जाके निवास भी करेंगे आप फ्यूचर के अंदर। बिल्कुल मिलते हैं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, तब तक